फिरोजाबाद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लोग प्रदेश कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि 2019 में जो चुनाव होगा उसको लेकर इस बैठक को बुलाया गया है और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह विफल है। रेप की कई घटनाएं हुई, उन पर अंकुश नहीं लगा पा रही है और क्राइम भी बहुत बढ़ चुका है। फिरोजाबाद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग प्रदेश कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में 2019 में होने वाले चुनाव को लेकर बैठक के सभी पदाधिकारियों से मंथन किया गया। इस बार 2019 के होने वाले चुनावों में मुस्लिम लीग किस पार्टी के समर्थन में आती है, वहीं उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकारें विफल साबित हुई हैं। इन सरकारों में सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं सबसे ज्यादा जनता को परेशान कर रही हैं। इसलिए 2019 में सोच समझकर ही वोट करना है। फिरोजाबाद से अजय शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है और इस बैठक में बेसिकली 2019 का इलेक्शन है कि जिस इलेक्शन में हम हमारी क्या प्रिपरेशन है उस पर हम गौर खोज कर रहे हैं। इसके अलावा आज के जो करंट अफेयर्स हैं, खास करके कोई भी मामला हो, बुनियादी तौर पर यह देखा जा रहा है कि हम क्या खा रहे हैं, मीन्स मुसलमानों का क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, इस पे सारा स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एक ध्यान आकर्षित है पूरा। तीन तलाक का मामला हो या मॉब लिंचिंग का मामला हो, उनको सरकार में क्या हो रहा है, आज हालात ऐसे हो गए कि हर शहर और ज़िले के अंदर कभी कोई आसिफा की घटना हो रही है, उन्नाव के अंदर वो लड़की के साथ बलात्कार होता है, मुख्यमंत्री के होम जनपद के अंदर कई कई लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। यहाँ प्रदेश के हालात ये हो गए कि 13-13 बच्चों को कुत्ते काटे ले रहे हैं, मतलब इससे पहले कभी ऐसी घटना नहीं हमने देखी कि, और उस पर जो है कोई सरकार का कोई तवज्जो नहीं है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बलात्कारी बिल्कुल घूम रहे हैं। बहुत जब बड़ा हाईलाइट आप लोगों के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से होता है तो उसी पर कार्रवाई हो रही है। मेरा यह है कि सोशल जस्टिस होना चाहिए, हर प्रदेश के हर इंसान को न्याय मिलना चाहिए। अभी आप देखिए कि इसी के दरमियान में बिजनौर में नूरपुर के जगह पर, वहाँ पर हिंदू अपने परिवार छोड़ के जा रहे हैं। अरे बड़े अफसोस की बात है कि जहाँ पर जो मुजफ्फरनगर केराना को लेकर के कह रहे थे कि साहब हिंदू पलायन कर रहे हैं, आज तो स्टेट में और सेंट्रल में उनकी गवर्नमेंट है, क्या कर रहे हैं, क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं, उनकी क्यों क्या बेसिक नीड्स है, उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, ना कि बुनियादी चीज़ पे। आम आदमी इस कदर परेशान है, चाहे वो व्यापारी तबके का हो या किसी भी मजदूर तबके का आदमी हो, बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गया है इस हिंदूवादी नारे से, वो तंग आ चुका है। आने वाले वक्त में अभी देखिए दो इलेक्शन हुए थे, इलाहाबाद फूलपुर की सीट हुई थी, गोरखपुर पर, दोनों जगह पर जो भी फिरका परस्ती के नाम देने वाली जमातें थी वो उनका पीछे हटे हैं, उनका ग्राफ कम हुआ है। अभी कराना और यहाँ कर की जो नूरपुर की सीट है, यहाँ पर भी मुझे लगता है कि फिरका परस्त जमातें अपने आप को जो है इस फिरका परस्ती की आग में झोंक नहीं पाएंगी। प्रदेश की जनता अब बहुत होशियार हो गई है और वो बेहतर ही फैसला करेगी। फिरोजाबाद सीट से आप अपने पैसे बता रहे हैं? हमारे यहाँ फिरोजाबाद है, उन्नाव है, कानपुर है, रायबरेली है, मेरठ है, आगरा है, बिजनौर है, हम इन तमाम सीटों पर हमारे कमिंग में, हम आज यहाँ पर जो मंथन करने के लिए बैठे हैं इन्हीं सीट्स पे कि हमारी क्या प्रिपरेशन है, हम टिल नाउ इस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, आगे क्या हालात होते हैं, हम तो इलेक्शन ही के लिए आ रहे हैं, हालात बनेंगे तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा और इन फिरका परस्त जमातों को जो है हम उनकी मुँह की खाना पड़ेगी। मुस्लिम लीग अपनी तैयारी में पूरी है और रहा प्रत्याशी का सवाल, तो प्रत्याशी लोग आ रहे हैं, उनमें चुना जाएगा कौन सा प्रत्याशी इस पार्टी के लिए अच्छा काम कर सकता है, उसी हिसाब से इंशाल्लाह ताला सीट का टिकट का फैसला होगा। और अभी मैं समझता हूँ अभी टाइम वक्त काफ़ी है, लेकिन लोगों का आना जाना तो है ही, लोग आ जा रहे हैं, उसी हिसाब से जैसे देखा जाएगा उसी हिसाब से टिकट का इंतजाम किया जाएगा।
एडमिशन ओपन SHJ मॉडर्न स्कूल CBSE पैटर्न के साथ, जहां आपके बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा और स्वच्छ वातावरण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, कंप्यूटर क्लासेस, कन्वेंस फैसिलिटी, अनुभवी शिक्षक एवं बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है। क्लास प्लेवे टू 8 SHJ मॉडर्न स्कूल, लेन नंबर 7, सरस्वती नगर, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9719022116, 9259725111। डायरेक्टर ओम प्रकाश शर्मा।